मेरा नाम रजनी राजपूत है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा से बोल रही हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। नाम संजना है, मैं ग्रीन मॉडल स्कूल से हूँ। मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं सुपोर्ट स्टेडियम डोडा में हूं, जहां पर कल्चरल एक्टिविटी और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेलिब्रेट कर रहा है गणतंत्र दिवस को, यानी 73वां रिपब्लिक डे 2022 का। और बहुत ही मुश्किलें थी क्योंकि बारिश काफ़ी दिनों से चल रही थी, और उसके बाद भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह की तैयारियाँ की है और लोग भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। और कल से ही जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तैयार था, क्योंकि आपने देखा था कि हमने कल भी एक स्टोरी की थी जहां पर आपको दिखाया था कि अलग अलग जगहों पे जो है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है सजाया था। चलिए इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए सर अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम पवन कोतवाल है। पवन जी क्या कहना चाहेंगे रिपब्लिक डे पे? देखिए सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को इस 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं एनसीसी कैडेट का छात्र हूँ और आज इस रिपब्लिक डे की परेड में मैं भी एक हिस्सा बना हूँ, और जिसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे साथ ही जितने भी होने भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा दिवस है। हम हर वर्ष के बाद ही देखते हैं कि इस वर्ष भी हालांकि वर्षा बहुत थी और संभावनाएं बहुत मुश्किल थी कि इस ग्राउंड में जो है वो परेड हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर साथ रहा। उन्होंने दिन रात मेहनत की और एक लाजवाब कार्यक्रम यहां पे कैडेट्स की तरफ से, यंग यूथ्स की तरफ से, स्कूली छात्रों की तरफ से देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से SOPs का भी पालन किया जा रहा है, COVID-19 के टेस्ट भी किए जा रहे हैं, हमारे विद्यालयों में भी किए जा रहे हैं। पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि मैं NCC का स्टूडेंट हूँ और एक युवाओं को जो है मोटिवेशन चाहिए। मैं आपको हमेशा देखता हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल सामने टू सामने होते हैं और अलग अलग एक्टिविटी में भी बिल्कुल सामने होते हैं। कोई फिट होने का मोटिवेशन दे दीजिए बच्चों। देखिए आपने एक बहुत बड़ा और अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भाग लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कमेंट्री के क्षेत्र में देखते हो, प्लेइंग के क्षेत्र में देखते हो, या स्टडीज़ के क्षेत्र में देखते हो, अगर आप में कोई क्षमता है किसी चीज़ के अंदर, उसको आप बाहर निकालिए। और बहुत से ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो अपनी कला को बाहर नहीं करते हैं, पेश नहीं करते हैं। बहुत से गाँव में ऐसे टैलेंटेड छात्र हैं, लेकिन ऐसा है कि उनके अंदर जो काबिलियत है वो बाहर नहीं आ सकती, उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन मंच जो है आज डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन ने बिछाया है। आप देख सकते हैं कि फोक जैसा कल्चर जो डोडा के अंदर कहीं ज़माने से देखने को नहीं मिलता था, हालांकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर है, लेकिन इन यूथ्स ने आज ये बताया। जम्मू में आप इन यूथ्स को देखेंगे जिसमें फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की, इट मीन्स कि उनके पास टैलेंट है। लेकिन आपको अलग सा दिखा होगा, क्योंकि अपने कल्चर जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो पहाड़ों पर हमारे लोग करते हैं या देखते हैं, वो चीज़ें आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में देखने। जी जी सही बात कही आपने, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। चाहे मैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी की बात करूँ, यहाँ के कल्चरल सेल की बात करूँ, हर प्रकार से उन्होंने अपने कल्चर को इस बार दिखाया है। चाहे भद्रवाह की बात की जाए, सराज एरिया की बात की जाए, इन दोनों की यहाँ पे इस कल्चर को बहुत बड़ी मान्यता दी गई है इस बार, जिसके लिए हम बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी जो है अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करने हमारे बच्चे जाते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट को सेलिब्रेट करना होता है, तब जो है हमारे बच्चे जो है पीछे रह जाते थे। लेकिन इस बार जो है अलग अलग एक्टिविटी जो है हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में देखने को मिली, जहां पर सराजी कल्चर भी देखने को मिला और भद्रवाही भी, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग जो है पूरे स्टेडियम में भरे हुए हैं और सब लोग जो है इस चीज़ को देखने जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुँचे हैं। यही तो है हमारा भारत, यही तो है हम लोग जो हमेशा देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और इसी के चलते जो है हम इतना बड़ा फंक्शन जो है ऐसे जैसे स्टेडियम में ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास टोडा। जिसको शहीद अमन ठाकुर के नाम पर रखा गया है, उधारे दुख लगियो हिमे धरो तन नाल, 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 उधारे दुख लगियो हिमे धरो तन नाल।
Oh,
बीजेपी जिला अध्यक्ष डोडा, इस गणतंत्र दिवस पे आज मैं अपने पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और ख़ास करके ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी डोडा विकास शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो कि पूरी स्टेट के अंदर हमारा ज़िला में इतने विकास पे गया जिसपे नंबर दो भी हमारा ज़िला गिनने में आया। मैं प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूँ जिनने इतनी सारी स्कीमें हमारे ज़िला डोडा के लिए इम्प्लीमेंट करवाई है। मैं सबका वो एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। Thank you.
मैं ग्रीन मॉडल से हूँ और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरा नाम महक रुकवाल है, मैं ग्रीन मॉडल से हूँ और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों के लिए देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरा नाम बसीरा जरगर है, मैं ग्रीन मॉडल से हूँ और मेरी तरफ से पूरी दुनिया को हैप्पी रिपब्लिक डे। यहाँ पे स्पोर्ट्स आपको रिप्रेजेंट करने आई है और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। नाम संजना है, मैं ग्रीन मॉडल स्कूल से हूँ, मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं कौशल है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में पढ़ती हूँ, हैप्पी रिपब्लिक डे। शहनाज़ अख्तर है और मैं मलवास में रहती हूँ, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरा नाम रजनी राजपूत है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से बोल रही हूँ, हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरा नाम अर्पिता ठाकुर है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरी तरफ से सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरा नाम उस्माना बानू और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से मैं पढ़ती हूँ, मेरी तरफ से सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूनम है और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ती हूँ, मेरी तरफ से सबको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरा नाम ताइबा है, मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी में पढ़ती हूँ, हैप्पी रिपब्लिक डे। साहिला बानू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, हैप्पी रिपब्लिक डे। सुहानी भगत गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, हैप्पी रिपब्लिक डे। पूता मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी से हूँ और हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरा नाम पूजा राजपूत है और मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और हमने बहुत अच्छा डांस भी किया,